अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ सूजी के टुकड़े जो बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत इजी बनते हैं। सबसे पहले पहला प्रोसेस हमारा होगा कि हम थाली को तैयार करें जिसमें हमें टुकड़े जमाने हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर घी ऐड करेंगे। घी डालकर इसको हम अच्छे से फैला देंगे। अच्छे से फैलाना है कहीं पे ऐसा ना हो कि घी ना लगे और फिर टुकड़े ज़्यादा अच्छे से हम उठा ना पाएँ। इसके ऊपर हम कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, कुछ बादाम ले रही हूँ मैं, आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें काजू, और ये ग्रेटेड नारियल गोला कुछ हम बचा लेंगे जो हम इसके बाद में लास्ट में डालेंगे। गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है। हम 4 टेबल स्पून भर के घी का डालेंगे। घी हमारा मेल्ट हो जाए उसके बाद हम इसके अंदर सूजी ऐड करेंगे। ये हमने सूजी ली है, ये 250 ग्राम सूजी है और 1 कप है भर के मग। अब हमारा घी बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसको फ्लेम को हम स्लो कर देंगे और ये सूजी इसके अंदर डाल देंगे। अब इसको हमें भुनाई करनी है कम से कम 10 मिनट तक। हम इसके अच्छे से स्लो फ्लेम पे भुनाई करेंगे सूजी की। हमारी सूजी भुन रही है। इधर हम शीरे की तैयारी कर लेते हैं। चाशनी की जितनी क्वांटिटी हमने सूजी की रखी है उतनी हम चीनी लेंगे। 1 कप भर के मग भर के चीनी लेंगे। चीनी को हम इसे भगोने में निकाल लेंगे। जितनी चीनी और सूजी है उसका 1/2 कप हम पानी ऐड करेंगे, मतलब इतना। थोड़ा गाढ़ा शीरा बना लेंगे इसका। इसलिए हम इसको गैस पे रखते हैं। 12-13 मिनट हो चुके हैं, हमारी सूजी बहुत अच्छे से भुन चुकी है। बहुत देख सकते हैं आप, कलर भी इसका चेंज हो गया है और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब इस स्टेज पर हम इसके अंदर ये इलायची पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा हम नारियल डालेंगे। थोड़ा सा हम इसको और चलाएंगे। हमारा शीरा तैयार है। हमें ज्यादा चाशनी नहीं करनी, बस हल्का सा। 5 मिनट हो गए ऐसे पकते पकते, हल्का सा तार आए, ज्यादा नहीं। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और ये शीरा इसके अंदर ऐड कर देंगे। फ्लेम को हमने स्लो किया हुआ है। और ये घी है, ये घी भी ऐड कर देंगे इसके अंदर। अब हम इसको चलाएंगे। फ्लेम को स्लो ही रखना है, बहुत ध्यान से हम इस प्रोसेस को करेंगे। देखिए बैटर इकट्ठा हो गया है बैटर हमारा। अब हम इसको फ्लेम को बंद कर देंगे और इस बैटर को इस थाली के ऊपर डाल देंगे। आप किसी दूसरे की हेल्प ले सकते हैं इसके लिए। इसको हम अच्छे से फैला देंगे। ये ड्राई फ्रूट्स बचे हुए सब्जी के ऊपर ऐड कर देंगे। जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसमें कट लगाएंगे।
अभी बहुत ज़्यादा गर्म है ये। मिनट हो चुके हैं, अब हमारा बैटर थोड़ा ठंडा हो चुका है, थोड़ा गर्म है, अब हम इसमें कट लगाएंगे। आप अपने मनपसंद शेप दे सकते हैं, मैं डायमंड शेप दे रही हूँ। अब हम 10 मिनट बाद 10-15 मिनट इसको रखेंगे, उसके बाद फिर इन्हें थाली में से निकाल लेंगे। हमारे ये टुकड़े बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, अब हम इसे आराम से निकालेंगे। हमारे सूजी के टुकड़े रेडी हैं, बहुत ही मज़े से बने हैं, बहुत ईजी है बनाना, आप मेरे तरीके से बनाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी, रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।